जबलपुर में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के बाद अब ग्वालियर में भी समिट की मांग उठी है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर समिट कराने की मांग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में लिखा कि ग्वालियर में भी समिट हो, जनता के साथ मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है। वहीं जबलपुर समिट के लिए सिंधिया ने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। और इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर अपना ठीकरा फोड़ा है, जहां जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक दमन कर रही है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर भी तोड़े जाते हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य बीजेपी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। वहीं जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधते हुए करप्शन किंग बता दिया है। पटवारी ने कहा कि जिस विभाग को कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लहार भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए, और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा नफरत घड़ा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो पर्यावरण के नाम पे कांग्रेस कार्यालय गए, कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने राजनीतिक पर्यावरण बिगाड़ा था वहां का। उन्होंने एक कैंडिडेट कांग्रेस का, उसका अपहरण किया था, और उस कैंडिडेट का अपहरण करने के बाद सेल्फी ली और पूरे इंदौर की भावनाओं का अपमान किया था। उनको चुनौती दी थी इंदौर के मतदाताओं को कि तुमसे बड़ा मैं हूं। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक पर्यावरण के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो कैलाश विजयवर्गीय है। और इधर नरसिंहपुर जिले में नकली सोने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया है, जहां एक व्यक्ति से सोने के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी की गई है और नकली सोना थमा दिया गया। शिकायतकर्ता मोहन लाल की माने तो लगभग एक सप्ताह पहले आरोपी से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी ने मोहन लाल को यह कहकर झांसा दिया कि जेसीबी से खुदाई के दौरान उसे बहुत सारा सोना मिलता है। फिलहाल मोहन लाल की शिकायत पर नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ठगी हमारे साथ 19,11,000 रुपए ठग के ले गए। एक लड़का है 30 साल के समथिंग का और एक महिला है 40-45 साल की। तो उनने हमको सोना दिखाया, हम लोभ में आ गए, उनने हमको सोना दिया, हमसे पैसा ले गए 19 लाख, 4 किलो के समथिंग का सोना बताया उनने, और उसमें से थोड़ा दिया टूर के। तो हमने जांच भी कराया तो वो सोना निकला, 3 गुड़िया दिए थी, हमने पैसा दे दिए और उनने सामान दे दिया हमको, और बाकी बात फिर हमने जो उनने दिया उसमें से फिर जांच कराने लगा तो पीतल निकला है। तो हम तो ये कहेंगे जिले की पुलिस से, जिले के अधीक्षक महोदय जी से कि ये चोरों का गिरोह को पकड़ा जाए, हमको हमारा पैसा मिल जाए। ये मामला आज प्रकाश में आया, तत्काल जो है समय लिया गया, कार्रवाई कराई जा रही है। हमने तत्काल प्राप्ति को जो थाने भेजा और जल्दी जल्दी कार्रवाई को उसका प्रयास। और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा जो जैन पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह के बाहर से भगवान श्री महाकालेश्वर जब जल अर्पित करना उनका अभिषेक किया है। साथ ही आशीर्वाद और पूजन के बाद जया प्रदा ने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। उन्होंने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा पर्व है और मैं महाकाल भगवान के दर्शन के लिए आई हूँ। भगवान के दर्शन करने से सब कुछ शुभ होता है। और इधर मुरैना में सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है, इतनी खराब कि विद्यार्थियों को स्कूल भवन छोड़कर खुले में पढ़ाई करने पड़ता है और साथ ही वो खुले में पढ़ाई करने को मजबूर भी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। एक और जहां शिक्षा विभाग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर बागचीनी संकुल के बाउड़ी गांव का एक ऐसा स्कूल है जो कई सालों से खंडहर पड़ा है। विद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है कि बच्चे तो क्या शिक्षक तक भवन में बैठने से डरते हैं। स्कूल भवन का आधा हिस्सा ढह चुका है, दीवारों में दरारें आई हुई है। स्कूल के लिए 2 कमरों का भवन करीब 3 दशक पहले बना था, जो अब जर्जर हो चुका है। भवन का हिस्सा करीब 3 साल पहले ढह चुका है, बाकी भवन की हालत ऐसी है कि जगह जगह से दीवारें दरक रही है।
स्कूल भवन के खिड़की दरवाजे तक गायब हो चुके हैं। छत भी पूरी तरह जर्जर है, जिसके ऊपर घास उग रही है। बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जहां छत से पानी टपकता रहता है। फर्श के नाम पर उबड़ खाबड़ जमीन है। क्यों पढ़ते हो? कौन सा स्कूल है? सरकारी। सरकारी, तो बरसात आती है तो छुट्टी हो जाती है? छुट्टी हो जाती है। अच्छा, छुट्टी हो जाती है। अच्छा, और भी बच्चे आते हैं? बताते चले कि स्कूल में 3 कमरे हैं, जहां एक कमरे में स्कूल की रसोई का सामान रखा जाता है। इस स्कूल भवन में लगभग 5 साल से कोई छात्र या शिक्षक नहीं बैठा। सालों से यह स्कूल बाहर मैदान में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं, वह नियमित आते हैं, लेकिन स्कूल भवन की हालत जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई चौपट चल रही है। ग्रामीणों के अनुसार बावड़ी गाँव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 60 से ज्यादा बच्चों के नाम दर्ज है। इसमें से आधे बच्चे भी नियमित स्कूल नहीं आते, क्योंकि बच्चों के पालकों को हमेशा स्कूल भवन के कारण हादसे का डर सताता रहता है। पानी आती है बच्चों के लिए, गांव आ जाती है, बरसात होती है, छुट्टी हो जाती है, कमरा नहीं है, दिक्कत आती है। मवेशी ने गोबर कर देती है, पेशाब कर देती है। टूटे फटे कमरे हैं, एक ही कमरा है, उसी में दरवाजा नहीं है, गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। शिकायत करिए अधिकारियों से की है, देखा बनेगा आपका, मंजूर हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। स्कूल भवन के आगे बबूल का एक पेड़ लगा है, जहां ब्लैक बोर्ड लटका कर बच्चों को जमीन पर बैठा कर पढ़ाई करवाई जाती है। जब भी बारिश होती है, गर्मी में लू चलती है, या फिर सर्दियों में कड़ाके की ठंड होती है, तब स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। कई कई दिन तक इस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती। स्कूल और शिक्षा विभाग के अफसरों का तर्क है कि इस स्कूल की मरम्मत के लिए बजट की मांग की है, लेकिन शासन से अभी तक बजट नहीं मिला है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नए स्कूल भवन और पानी की सुविधा के लिए कई बार सरपंच से लेकर जनपद तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर बुरैना में जमीन से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। पूरा मामला सुमावली पंचायत के जाटा मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने महिला ने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी, जिसे देखते हुए प्रशासन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ये दुकान है हमारी, टूटी क्यों जा रही है? सभी की क्यों नहीं टूट रही है? टूटी जा रही है। और हमें बहुत निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, सरपंच अब हमारी छोड़ दो, हम गरीब आदमी है, हमारे आदमी घर पे नहीं है, हमें 2 दिन की मोहलत है, तो 2 दिन की मोहलत नहीं दे रहे हैं। हमने कही कि क्या करें, अब नहीं दे रहे, मशीन लगाई जा रही तो हम मर जाए, जहाँ से बढ़िया हमारे यहाँ होते हुए हमारा काम मकान में आ रहे हैं, तो हम तो मरना पड़ेगा। और इसी बीच बैतूल की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। आपको बता दें, सारनी में सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं, जहां डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। 11 गेट खुलने से नदियों और घाट अब जलमग्न हो चुके हैं। यहां पर बैतूल नर्मदापुरम मार्ग पर बागदेव के पास भी ये जाम लगा हुआ है। नर्मदापुरम की ओर जा रही कई यात्री बसें वापस बैतूल लौट गई हैं। छिंदवाड़ा जिले की कई छोटी बड़ी नदियां पानी से लबालब भर गई हैं, और आपको बता दें सतपुड़ा डैम से यहां पर पानी आ रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बैतूल की ये तस्वीरें हैं, जहां नदिया घाट भी जलमग्न हो चुका है। यहां पर बैतूल की ये तस्वीरें हैं, जहां सारनी में सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि सारनी में सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं, और अब यहाँ पर नांदिया घाट भी जलमग्न हो चुका है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए महिमा जी, बैतूल जिले में लगातार बारिश का दौर सिलसिला तेजी से शुरू है। जो सारनी का जो सतपुड़ा बांध है, उसके 14 गेट है, और 14 गेट में से 11 गेटों को खोला गया है, क्योंकि बारिश जिस तरह से उग रही है, उससे जो डैम है वो पूरी तरह से भर चुके हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसकी वजह से जो सारनी का सतपुड़ा डैम है उसके 11 गेट खुले गए हैं। और इस गेट खुलने के कारण जो आसपास की नदियां है वो भी उफान पर है, जिसकी वजह से जो बैतूल नर्मदापुरम जो मार्ग है उसकी कई नदियां उफान पर चल रही, जिसकी वजह से वहां जाम भी लगा हुआ है इस गेट खुलने की वजह से।
बिल्कुल शंकर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि नर्मदापुरम की ओर से जो भी यात्री बैतूल की ओर जा रहे थे सभी वापस लौट चुके हैं। अब ऐसे में यात्रियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है और किन किन इलाकों में इसका जो प्रभाव है वो पड़ रहा है? देखिए, ये जो सारनी का जो सतपुड़ा बांध के जो गेट खुले है उसकी वजह से जो छिंदवाड़ा है या होशंगाबाद या नर्मदापुरम है, इस एरियो में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सतपुड़ा डैम का जो पानी जो गेटों से छोड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्र को कवर करता है और नदियों में जाता है, जिसके कारण पूरी नदियां उफान पर चल रही है। उसी की वजह से जो रोड है, रोड भी पूरी तरह से बंद हो गए, जिसके कारण यात्रियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें हर साल की तरह इस बार भी कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में विठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में किया गया, जहां कुबेरेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालुओं को आज गुरु दीक्षा दी जा रही है। समिति के द्वारा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 25 क्विंटल शुद्ध घी की नुक्ति का भी भोग लगाया गया है। आपको बता दें वहीं प्रशासन ने भी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त यहाँ पर सुविधाएं रखी हैं और साथ ही पर्याप्त बल भी लगाया है। पुलिस प्रशासन ने 300 से अधिक जवान धाम पर और यातायात के लिए यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। बात करते हैं इंदौर के, जहां इंदौर के नपानिया समर पार्क कॉलोनी के लोगों ने बारिश में अनोखा प्रदर्शन किया। कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर स्थानियों ने नगर निगम से एक्शन लेने की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण से कॉलोनी का रास्ता बंद हो जाता है, बतौर इसे लेकर अब नगर निगम को शिकायत की गई है, पर प्रशासन द्वारा कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। और बात करते कटनी की, जहाँ कटनी जिले में आरोयत शेड में लिफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां लिफ्ट करते समय मालगाड़ी की बोगी गिर गई है। बताते चले कि हादसे के समय कर्मचारी काम कर रहे थे, जहां हादसा होने के दौरान रेलवे कर्मचारी बाल बाल बच गए। हादसे पर आरएचओ शेड की वायर रोप की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 6 माह के भीतर नक्सलियों पर हुई कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कार्रवाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में विजय शर्मा ने बताया कि देश भर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। 6 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने बड़े काम किए हैं। 6 माह के भीतर के नक्सली मारे गए हैं, जिसकी संख्या लगभग 150 बताई जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले अगर नक्सलियों की बात की जाए तो ये करीब 526 हैं। वहीं 633 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। हमारे साथ गृह मंत्री जी हैं, मेरे हाथ में वो आंकड़ा है जिसको देखकर वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कांग्रेस सरकार के। क्या कहेंगे गृह मंत्री जी, आपने आंकड़े भी जारी? मैंने आंकड़े आपके सामने दिए। इन 6 महीनों में पिछले 4-3 वर्षों में क्या स्थिति थी और इन 6 महीनों में इस बार क्या स्थिति, आपके हाथ में आंकड़े। कैसे कम कर पाए आप, कैसे अपराध कम हुआ? मंशा ठीक होनी चाहिए सरकार की, पुलिस के मन में ताकत होनी चाहिए, करना क्या है बात स्पष्ट होना चाहिए। पैसे को इधर से उधर ले जाने के लिए पुलिस का उपयोग अगर करे नेता तो पुलिस कहाँ काम कर पाएगी भैया। अभी स्पष्ट है नशे के व्यापार करने वालों का नसबल तोड़ना है, अभी स्पष्ट है पीड़ित जनता की बात सुननी है, उस पर कार्यवाही करनी। नक्सलवाद पर डटकर लड़ रहे हैं आप, कब तक खत्म होगा बस्तर से? बस्तर की खूबसूरती को लोग कब देख पाएंगे? ये बड़ा ही मसला है आपका, महत्वपूर्ण है। बस्तर में जितनी पीड़ा है, मैं सोचता हूँ कि वो सब कुछ समाप्त करना हम सबका धर्म है। और बस्तर में आने वाले तीन सालों में मैं सोचता हूँ कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रित होगी। आपने सुना गृह मंत्री हैं कह रहे हैं कि तीन सालों में जो नक्सलवाद है वो खत्म कर लेंगे और बस्तर की खूबसूरती को जो है वो लोग देख पाएंगे। कैमरा पर्सन किसान साहू के साथ कोमन साहू। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें गौ सेवकों पर हमला करने वाले 4 आरोपी को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले सक्ती के खड़गांव में कुछ लोगों ने 100 गौवंशों को बांध कर रखा था। गौ सेवक सभी गौ सेवकों को मुक्त कराकर सक्ती वापस आ रहे थे।
वही आपको बता दें, तभी रास्ते में दो स्कॉर्पियो में आए 10 से 15 लोगों ने गौ सेवकों पर हमला कर दिया। मामले में सख्ती एसपी अंकिता शर्मा ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 3 टीमें गठित की थी, जिसके बाद इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सख्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सख्ती के जो गौ रक्षा समिति के सदस्यों के ऊपर पलगड़ा क्षेत्र में गौ मवेशी पशुओं की रक्षा करते समय उनको पीछे से हमला किया गया है बोलेरो गाड़ी और स्विफ्ट के माध्यम से। इस आधार पर मेडिकल रिपोर्ट एवं तस्दीकी प्रारंभिक जो की गई थी इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपने अपराध पंजीबद्ध करके सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर जो हमें पहली ज्ञात हुआ वो छाल क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा इंद्रपुर में भी ऐसी धमकी दी जा रही। जब छात क्षेत्र के कुरुकेला के कुछ लड़कों को इस संबंध में हिरासत में लिया गया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार। और इधर जांजगीर चांपा के बालो क्षेत्र के हरदी विशाल गांव में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक 4 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था। मृतक का नाम अशोक बैनर्जी है और उसने खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की है। बता दें, शख्स ने पेट्रोल पंप के डिब्बे में पेट्रोल खरीदा, फिर 50 मीटर आगे जाकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बता दें, आग लगाने के बाद पंप के कर्मचारी पहुंचे और आग को बुझाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। इधर पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और इधर जूर नवगई पीढ़ा स्थित एनीगेट का निर्माण गोबरी नदी में 2016 में किया गया था। इसका निर्माण 7 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया था, लेकिन 3 से 4 सालों में एनीकेट के जर्जर होने से पानी नहीं रोका जा रहा है, जिससे किसानों को काफी समस्याओं का अब सामना करना पड़ रहा है। इतना डर वह बना रहता है कि प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके अधिकारी लोगों को जल संसाधन विभाग में, तो उनका कहना है कि शासन से आएगा पैसा तब हम लोग मरम्मत करेंगे, है ना। और ऐसा लगा रहता है कि अगर ज़्यादा पानी भर गया तो मतलब जो नीचे गांव बस्ती है वो भी डूब। अपने ग्राम पंचायत जूर के बीच में जो एक गोबरी नाला गुजरी हुई है, जिसमें एक विभागीय तरफ से एक इंडिकेट डैम बनाया गया है, जिसमें कई कई जगह उस पर दरारें पड़ गई है, हल्का फुल्का नदी में पानी आती है, वो गेट के दरार होने के वजह से पानी बह जाती है। कभी कभार यदि बारिश ज़्यादा हो गई उसके वजह से यदि डैम में पानी रुक गया तो डैम बहने का टूटने का भी डर बना रहता है। और बात करते हैं बिलासपुर की, जहां बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का फिर असर देखने को मिला, जहां शराब फैक्ट्री भाटिया वाइन के प्रदूषण से हर कोई परेशान है। विस्तार न्यूज ने इस मनमानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने आबकारी और पर्यावरण के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है, साथ ही कलेक्टर को भी नोटिस थमा दिया है। दरअसल मुंगेली जिले के पथरिया में भाटिया वाइन से निकलने वाले घटिया स्पिरिट से आसपास के 15 गांव परेशान है। मुंगेली में मोह भट्टा के करीब भाटिया वाइन से निकलने वाले जहरीले स्पिरिट से लाखों मछलियां मर गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया था। इस मामले में 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। वहीं 22 जुलाई को फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बात करते कोरबा की, जहां कोरबा में टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। कटखोरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 130 पर रजकम्बा टोल प्लाजा में अवैध वसूली का मामला सामने आया, जहां भारी वाहन चालकों से वजन काटा पर पेनाल्टी के नाम पर बिना पर्ची के वसूली की जा रही है। बता दें, ट्रेलर चालक ने बताया कि काटा इंचार्ज पेनाल्टी से अधिक राशि बिना पर्ची के वसूली की जाती है। और इधर बिलासपुर में मलेरिया से 4 बच्चों की मौत हो गई है। इसे लेकर कोटा क्षेत्र के स्कूली बच्चे जन जागरूकता फैला रहे हैं और इस महामारी से बचाव के संदेश दे रहे हैं। कलेक्टर अविनाश शरण ने निर्देश दिया है कि स्कूली बच्चों ने जागरूकता की कमान इसके बाद संभाल ली, जिसके तहत गांव में रैली निकालकर मलेरिया और डायरिया से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। इधर गरियाबंद में मलेरिया अभियान को लेकर 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर जिला अस्पताल की है, जहां मलेरिया का इलाज करा रहे 40 मरीज में से 22 मरीज को भागने का मामला सामने आया। वहीं बीते सप्ताह स्वास्थ्य अमला ने सघन जांच मलेरिया के गंभीर मरीजों को गरियाबंद अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज कर रहे जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने अधूरे इलाज को पीड़ित के साथ साथ गांव के लिए गंभीर माना है, लेकिन तमाम सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मरीजों के भाग जाने से अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसका जवाब कौन देगा। जिला अस्पताल प्रबंधन ने लिखित में मैनपुर स्वास्थ्य अमले को पत्र जारी कर भागे मरीजों को फॉलोअप करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर मैनपुर के स्वास्थ्य अमला मलेरिया रोधी अभियान के तहत कड़ी मेहनत कर रहा है।
कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव-गांव तक पहुंच रहे और खून की जांच कर रहे हैं, जिसमें मलेरिया पीड़ितों की पहचान की जा रही है। अभी भी जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो है उनके ब्लड में, तो उसको फिर मच्छर से फैलने का आशंका है, और दूसरा उनको भी तकलीफ है, उनको इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ है तो उनको फिर से फीवर आ सकता है। उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ बोल के हम लोग उनको रुकने के लिए बोले थे, लेकिन वो भाग गए। और उधर गरियाबंद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग लगातार बढ़ रहा है। अभी इस शिवलिंग की लंबाई लगभग 80 फीट है। बता दें यह स्थान पहाड़ों और सुंदर वनों से घिरे वादियों के बीच स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के चलते इसे विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग और विशालतम शिवलिंग का दर्जा मिल चुका है। यहाँ 12 महीने भारत के कोने कोने से दर्शन करने सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मैं तो यहाँ पे मतलब 8-10 साल से लगातार आ रहा हूँ। बचपन से मेरा आना रहा यहाँ पे, और यहाँ पे विश्व का विशालतम शिवलिंग है भूतेश्वरनाथ, जो यहाँ हर साल दर्शन किए जाते हैं। भूतेश्वरनाथ महादेव एक शिवलिंग ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसलिए बहुत प्रसिद्धि है। हम पुराने जमाने के हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं गरियाबंद के, और हमारे दादा परदादा लोग सभी लोग बताते हैं कि इस शिवलिंग की ऊंचाई पहले 7 से 8 फीट की हुआ करती थी, आज ये 70 फीट की ऊंचाई पे है, और इसका ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोगों का ऐसा मानना है, इसका व्यास भी बहुत बड़ा फैला हुआ है। उधर रायगढ़ में पति की मौत के बाद एक महिला के द्वारा सती होने का मामला सामने आया। रायगढ़ जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूर पर बसे गांव चिटकाकानी में ये घटना सामने आई है। जहां आपको बता दें कि 14 जून को जयदेव गुप्ता की मौत कैंसर से हो गई थी। मृतक का अंतिम संस्कार गाँव के मुक्तिधाम में कर दिया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी गुलाबी गुप्ता लापता हो गई। वहीं बता दें मामले में अभी तक किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया। गांव के लोग इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इधर चिटकाकानी में जिस जगह पर जयदेव गुप्ता की अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पुलिस के जवान और कोटवार भी तैनात किए गए हैं। आसपास के दुकानदारों से बातचीत करने पर अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं दुकानदारों के अनुसार ग्राहक बताते हैं कि जयदेव गुप्ता की पत्नी साथ ही मरने की बात कहती थी। रायगढ़ जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर चिटकाकानी गांव है। चिटकाकानी गांव है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय क्यों बना हुआ है इसी को बताते हैं, क्योंकि 14 तारीख को जो प्रसिद्ध टेलर थे आसपास के जयदेव गुप्ता, उनकी मौत हो गई। और जयदेव गुप्ता को मैं जहां दाह संस्कार किया गया उसी जगह पर मौजूद हूँ, वहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं जो लोहा का एंगल दिख रहा होगा, इसी के भीतर लकड़ियाँ रखी गई थी और इसी के ऊपर जयदेव जो गुप्ता है उनका दाह संस्कार है वो किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खबर ये सामने निकल कर आई कि जयदेव गुप्ता की जो पत्नी है गुलाबी गुप्ता वो सती हो गई, ऐसा परिजन कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी बताते हैं। जयदेव गुप्ता की 14 तारीख को मौत हुई, शाम को अंतिम संस्कार हुआ। घर में लोग जब सो रहे थे, उनके बेटे करीबन 9-9:30 बजे रात को देखे कि उनकी माँ घर में नहीं है, तब वो ढूंढने बाहर निकले। बाहर निकले उसके बाद कुछ ग्रामीणों के साथ वो यहाँ तक भी पहुँच गए और वो बताए कि उनकी माँ है वो यहाँ सती हो गई, ऐसा परिजन है वो कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है, गुमशुदगी के आधार पर उनकी तलाश भी कर रही है।